नमस्कार सभी को। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जिन बच्चों ने BHU के लिए अप्लाई किया था तो उनका रिजल्ट आ चुका है। इस बार का जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम था NTA ने कंडक्ट कराया था और रिजल्ट घोषित होने के बाद अब जिस चीज़ का बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का समय आ चुका है। BHU की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया गया है, NTA के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि काउंसलिंग जो काउंसलिंग लेटर होता है वो आपके ईमेल पर गुरुवार से चालू हो जाएगा आना, यानी कल से। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 1 तारीख है और आपका 2 दिसंबर से जो है काउंसलिंग का कॉल लेटर आ जाएगा। तो जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, तो वो अपना ईमेल जरूर चेक करते रहें। और आप अगर काउंसलिंग लेटर आ गया है BHU में काउंसलिंग के लिए, कल आ जाएगा आपका 2 दिसंबर 2021 को गुरुवार से। तो यदि आपका नाम काउंसलिंग लेटर में आ रहा है, काउंसलिंग लेटर आपका आ रहा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको अब आगे क्या करना है कि जिस दिन आपकी डेट दी गई होगी काउंसलिंग लेटर में, उस दिन जो है आपको अपना काउंसलिंग कराना पड़ेगा। काउंसलिंग कराने से पहले आप एक बात जान लें कि यहाँ पर UG और PG यानी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका वो होगा काउंसलिंग होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, और जो आपका अंडर ग्रेजुएशन यानी आप स्नातक के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो उसका जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपका दोनों मोड में, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दो किसी भी मोड में करा सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सभी पहले से रेडी रखने होंगे, 10वीं 12वीं और आय निवास, और आप जो भी है जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको पहले से रेडी रखने होंगे, फ़ोटो रखनी होगी आपको, और काउंसलिंग की जिस दिन की आपकी डेट होगी उस दिन आपको ले जाकर वहाँ पर काउंसलिंग में आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो आप अपना ईमेल जरूर चेक करते रहें, और अगर आपका काउंसलिंग लेटर आया हुआ है तो जो भी आपकी डेट दी गई हो, जिस दिन की आपकी डेट दी गई हो, उसके 1 दिन पहले आप पहुँच जाएँ। और मतलब आपको ये है कि आपको काउंसलिंग में उस दिन और उस टाइम पर आपको पहुँचना ज़रूरी है। काउंसलिंग के लिए आपके पूरे रिकॉर्ड पूरे रहना चाहिए। तो बस यही आप जानकारी देना चाह रहा था कि जितने भी UG PG के लिए काउंसलिंग यहाँ जो है आपका 4 दिसंबर से शुरू हो रही है। 2 दिसंबर से आपका काउंसलिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे आपके ईमेल पे, और 4 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और NTA और BHU का ये निर्देश है कि 20 दिसंबर तक इसको पूरा कंप्लीट कराया जाए और आगे की प्रोसेस जो है एडमिशन की वो भी शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग में एक चीज़ और ध्यान देना है कि काउंसलिंग के समय जब भी आप आएंगे तो उसमें एक चीज़ होता है कि पेड सीट का भी होता है। यदि आपका जो काउंसलिंग के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी रैंक कम है, हमारे मार्क्स कम है, तो हमारा एडमिशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगा, तो उसमें एक पेड सीट का भी होता है। तो आप जो है उस कोर्स के लिए जो भी उसका पेड सीट फिक्स किया गया है, किसी कोर्स के लिए 18,000 है, किसी का 20,000 है, तो जो भी उसका BHU की तरफ से या BHU प्रशासन के द्वारा जो भी पेड सीट का रखा गया है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर दें काउंसलिंग के समय। तो यदि आपका रैंक कम है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप पेड करके, तो हर ईयर जो है आपको जितना पेड के लिए जितना चार्ज होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा, और BHU में उसी प्रकार से रेगुलर आप स्टूडेंट रहेंगे और वैसे ही आपको डिग्री मिलेगी। तो बस यही आपको एक जानकारी देनी थी। मैं अभी BHU में हूँ, तो सोचे कि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा था, वो कॉल आ रहा था कि भैया कब से काउंसलिंग होगा रिजल्ट आने के बाद, तो उनमें बड़ा संशय था कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसमें तो नहीं बताया जा सकता कि आपका हो कि नहीं होगा, लेकिन अगर काउंसलिंग लेटर आ जाता है तो बिल्कुल आप निश्चित हैं कि आपका हो जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए बुलाए गए। काउंसलिंग भी ज़्यादा जितनी सीटें होती है उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, तो उसके फिर जो भी रिजर्वेशन होता है, एम्प्लॉई पार्टी के लिए अलग कोटा रहता है, फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से रहता है, SC ST के लिए अलग से रहता है, तो काउंसलिंग में भी बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाता है। काउंसलिंग में आप मानिए कि मतलब आपको आना है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के बाद भी श्योर नहीं कि आपका होगा कि नहीं होगा, तो जितनी सीटें हैं BHU उतने के लिए उससे ज़्यादा काउंसलिंग भी बुलाता है, और जितनी उसको सीटें हैं उतने में एडमिशन लेता है। तो बस यही है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और आप सब कुछ रेडी रखिए, और जो भी आपकी डेट है वो ईमेल पे अपना चेक कीजिए, और डेट के हिसाब से आप 1 दिन पहले, हम तो कहेंगे 1 दिन पहले आ जाएं और अपना काउंसलिंग कराएं आप। तो बस यही है कि आपका कल से जो है 2 दिसंबर 2021 से आपका काउंसलिंग लेटर आ जाएगा, आप अपनी ईमेल पे जरूर चेक करते रहें, मैसेज भी आएगा ईमेल पे, और 4 दिसंबर से इसकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो जितने भी UG और PG के स्टूडेंट हैं जो कि BHU के लिए अप्लाई किए हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस, और अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और आप काउंसलिंग के लिए आएँ, अपना काउंसलिंग कराएँ। और काउंसलिंग के बाद भी आपको 24 घंटे के अंदर आपका अगर सिलेक्शन होना होगा तो आपके पोर्टल पे जो होगा, पोर्टल पे आपका फीस पेमेंट के लिए आ जाएगा,
काउंसलिंग के बाद अगर आप 24 घंटे के अंदर ईमेल चेक करते रहिए, अगर आपका फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जा रहा है उसमें आपके पोर्टल पे, तो इसका आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और अब जैसे ही आप फीस सबमिट कर देंगे, आपका जो वहाँ पे सीट है वो आपकी रिजर्व हो गई। तो बस इतना ही, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप काउंसलिंग में आइए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो हेल्प के लिए आपके लिए हेल्प डेस्क भी लगाए रहते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं तो मुझसे बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप में, ईमेल में, हर जगह कि भैया इसमें क्या होगा। तो मेरा थोड़ा सा एक मतलब हुआ कि ये वीडियो बना दें और सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो ठीक है, बस इतना ही, आप अपना काउंसलिंग कराइए और बहुत बहुत बेस्ट विशेष, BHU में आइए और मालवीय जी के बगिया में आनंद लीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपना समाज के लिए, अपने लिए आगे योगदान दीजिए।